सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ लगभग ये प्रयाग संगीत समिति के पास। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रयाग संगीत समिति, इसका गेट जो है पीछे है, गेट पीछे। फ्रेंड्स, अभी मैं ये जो चौराहा है, ये चौराहा जो है इस चौराहे के पास में खड़ा हूँ। और ये गया है चौराहा जीवन निधि आई हॉस्पिटल है, उसी में चला गया है ये वाला। और ये चौराहा जो गया है आपका बालसन गया है, और लोक सेवा आयोग भी जा सकते हैं यहाँ से। और इस साइड अगर बताएं तो इस साइड आप हनुमान मंदिर, और यहाँ से होते हुए आप मेडिकल चौराहा चौक के लिए जा सकते हैं इस वाले रोड से। अभी फाइनली फ्रेंड्स मैं आया हूँ यहाँ पे हनुमान निकेतन प्रयागराज में। यहाँ पे थोड़ा दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं। मैं जूता निकालना है, जूता निकालने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, कौन सा जगह ढूंढते हैं, फिर चलते हैं फटाफट फ्रेंड्स अंदर। मतलब फ्रेंड्स जूता का कोई बाउंडेशन नहीं, आप पहन के अंदर जा सकते हैं। और मैं पहन के अंदर आ चुका हूँ, और आपको बैक कैमरे उस सीन यहाँ का दिखा देता हूँ, तो आप लोग देखें कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है। फाइनली फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ, और बहुत काफ़ी बड़ा प्लेस है और भीड़ भाड़ भी कम है। आप पीछे देख सकते हैं मंदिर, और इस साइड का ये मंदिर आप देख रहे हैं, और ये सारा मतलब बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा यहाँ का। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग एंट्री कर चुके हैं मंदिर में, और लोग दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग भजन कीर्तन भी कर रहे थे। फाइनली फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिया है मंदिर में। अब मैं ये मंदिर के थोड़ा बैक साइड में आया हूँ, आप देखिए वो आगे का साइड है, फिर यहाँ से मैं इस साइड आया हूँ जो यहाँ पे थोड़ा पार्क जैसा है, ये गार्डन टाइप का है, पेड़ वेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक गेट यहाँ से है निकलने के लिए, और ये पार्क जैसा है, ये पार्क है। और ये फ्रेंड्स संस्कृत वेद वेदांडु हेम कर्मकांड महाविद्यालय है ये, इसमें कर्मकांड सिखाया जाता है। और ये फ्रेंड्स आप देखिए, पूरा एक लाइन से ताड़ के पेड़ हैं,
एक दो तीन चार पाँच छः, छः पेड़ है एक लाइन से, पूरे छः पेड़ हैं। ये देखिए फ्रेंड, उस साइड आप देख सकते हैं जिम जैसा है, जिम करने के लिए भी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे आप कर्मकांड, पढ़ाई लिखाई से लेकर जिम, मतलब स्वास्थ्य भी बना सकते हैं और योगा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और सामने आपको मिलेगा जीएस भवन, ये देखिए जीएस भवन सामने है आपको मिलेगा। और ये रोड सीधा चले जाता है, एक रोड इधर बाहर की तरफ और एक मतलब यहाँ से, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो तीन गेट है, तीन गेट से आप कहीं भी से भी एंट्री ले सकते हैं और आराम से दर्शन करके जा सकते हैं। तो फिर आप लोग ये मंदिर में दर्शन करके और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट मत सेल्फी लेके आप अपने घर को जा सकते हैं। पहले आइए दर्शन करिए, उसके बाद सेल्फी लीजिए, सेल्फी लेके जा सकते हैं। मैं आपको चल के वहाँ पे दिखाता हूँ सेल्फी पॉइंट, बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छा लगता है। चल के अभी वहाँ पे आपको सारा सीन दिखाता हूँ सेल्फी पॉइंट का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आके सेल्फी ले सकते हैं। ये देखिए लोग पीछे मेरे सेल्फी ले रहे हैं, आप देखिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, मुझे पैसे निकालना था एटीएम से पैसा, और मैं यूनियन बैंक का एटीएम देख रहा था लेकिन वो मिला नहीं। वहाँ पे एटीएम नहीं है ना बैंक में, उस बैंक में एटीएम नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे यूनियन बैंक है लेकिन पता नहीं है एटीएम है कि नहीं, तो यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। और ये सामने आप देख सकते हैं देहाती रसगुल्ला है, वो पीछे आप देख सकते हैं देहाती रसगुल्ला है, जो यहाँ का बहुत ही फेमस और काफ़ी अच्छा कड़ाकेदार रसगुल्ला है। आप यहाँ के आके खा सकते हैं और खूब इंजॉयमेंट ले सकते हैं। फिलहाल निकालते हैं पैसा और चलते हैं यहाँ से, देखते हैं पैसा मिलता है कि नहीं। Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the So finally friends, hum log yahan pe shaadi mein aaye the, shaadi ka program khatam ho gaya to hum log nikal rahe hain ghar. Friends, time kam hone ki wajah se video shoot nahi kar paya hu. तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर पे जाने के लिए, और जो भी वीडियो था आप लोग देखेंगे। और आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग काफ़ी पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करिए, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर टिल द एंड इस वीडियो के एंड करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।